अंजड़ में दुकानों पर इंदौर व अन्य ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वाहन से दुकानों तक सामग्री पहुंचाने वाली हमालो द्वारा संगठन के बैनर तले दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हमाल संगठन की अपनी कुछ मांगों को लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें वे अपने साथ काम करने में आ रही परेशानियों को लेकर पार्षद सुरेंद्र गहलोत व अन्य को साथ लेकर अंजड़ थाने पर पहुंचे और अंजड़ थाना प्रभारी श्री गिरवर सिंह जलोदिया को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया है। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी द्वारा नगर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होने पर वाहनों को बाईपास रोड और भोंगली नदी किनारे खड़ी कर वाहन अनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अंजड़ नगर में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जिसके कारण दुकानों पर इंदौर व अन्य स्थानों से दुकानदारों का माल लेकर आने वाले वाहनों को मुख्य मार्ग पर रोककर यह हमाल सामान को उतार कर दुकानों तक पहुंचाते हैं। इधर पुलिस द्वारा उक्त वाहनों पर चालानी कार्रवाई करने के कारण हमाल नाराज है। आज सभी हमालों ने संगठन के बैनर तले नगर परिषद के आनंद भवन में बोर्ड लगाया है और जिसके उपरांत सभी एकत्रित होकर नवा पार्षद सुरेंद्र गहलोत को साथ लेकर अंजड़ थाना प्रभारी गिरवर सिंह जलोदिया को मिलने पहुंचे और अपनी परेशानियों से अवगत करवाया है। इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इम्तियाज है। क्या काम करते हो? हिमाली करते ट्रांसपोर्ट पे। यहाँ थाने पे क्यों आया, क्या कारण है? थाने पे हमारी थोड़ी समस्या थी, इसके लिए आए हैं। हमको पुलिस वालों जैसे हमारी गाड़ी आती है तो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के जैसे ये चालान फाड़ते हैं, जैसे हम रोड किनारे गाड़ियाँ लगा के खाली करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे बदले ट्रैफिक लगता है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ देते हो, इसके लिए तुम्हारे हिसाब से एक जगह चुन लो और वहाँ पे करते गाड़ियाँ खाली करो। अभी साहब से टीए साहब से मिले, क्या बोले? दो तीन ठीक है, उन्होंने दिए हैं कि वहाँ पे करते गाड़ी खड़ी करके आप वहाँ पे खाली करो। अच्छा, उससे निराकरण हो जाएगा मामले का? निराकरण तो हो जाएगा, पर जैसे हमारे दूसरे व्यापारी भाई उन भी है तो उसके सिलसिले में हमको उनसे हिमालय के लिए बात करना पड़ेगी। मेहनत लगेगी हमको, ठेला गाड़ी टेम्पू वगैरह कुछ भी। अभी हड़ताल आपकी चल रही है, कब तक चलेगी ये हड़ताल? दो रोज तो चलेगी। अभी कितने लोग हड़ताल में बैठे हो? हम 20 एक हिमाल है ट्रांसपोर्ट वाले पूरे। अभी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का काम बंद है? अभी बंद है, आज भी बंद है और कल भी बंद रहेगा।